हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमने पिछले वीडियो में एक सॉर्ट ऑफ नॉन स्पॉइलर रिव्यू किया था, एक ओवरव्यू दिया था कि मूवी कैसी थी, कितनी फंटास्टिक थी और आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मार्वल फ़ैन हैं और आप थ्रू आउट योर जर्नी मार्वल के साथ कंटिन्यू करते आए हैं, तो आपको इस फेज़ को एंड भी मार्वल की इस मूवी के साथ सिनेमा हॉल में करना चाहिए। वो एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू है जो हमारे चैनल पर पड़ा है। अगर आपको स्पॉइलर फ्री व्यू रिव्यू देखना है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए। इस वीडियो के लिए मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि हम पूरी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड सारे स्पॉयलर्स। सो ये वाला जो वीडियो होगा ये फुल ऑफ स्पॉयलर्स होगा, एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने मूवी नहीं देखी और आपको स्पॉयलर्स नहीं देखने हैं तो प्लीज़ मैं 5 सेकेंड वेट करता हूँ, आप इस वीडियो को बंद कर दो। बस तो अब हम शुरू करते हैं कि इस मूवी में हुआ क्या है और ये मूवी कितनी फंटाबुलस है और क्यों। मैं पिछले वीडियो में इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था बट अब ज़रूर ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का। तो मूवी की शुरुआत होती है वो स्नैप के बाद, स्नैप के कुछ टाइम बाद जब लोग एक्चुअली स्पेन में हैं, तो आप मतलब अर्थ में देखते हो कि कैप्टन अमेरिका से लेके स्टीव रॉजर्स या ब्लैक विडो, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है कि वो मतलब अर्थ को बचा नहीं पाया और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। उसी तरह अगर आप आयरन मैन को देखो तो वो स्ट्रैंडेड है भूखे प्यासे एक स्पेसशिप पे अटका हुआ है, तो वहाँ पे मतलब वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं शिप बनाने का जो आपने ट्रेलर्स में देखा होगा, बट सॉर्ट ऑफ वो काम नहीं कर रहा है, वो वहीं पर अटके हुए हैं। तो वो जो मैसेज आपने ट्रेलर में देखा होगा कि पेपर पॉट्स के लिए बनाता है, वो ऐसा नहीं कि उस मैसेज के बाद कुछ कर पाए, वो एक्चुअली वहाँ पे गिव अप कर रहा होता है। यहाँ पे अर्थ पे क्या होता है कि वो जो पेजर था जो ट्रिगर किया गया था कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए, उससे कैप्टन मार्वल आ जाती है, ये भी शायद आपने ट्रेलर्स में देखा होगा। तो कैप्टन मार्वल जाके फिर आयरन मैन को बचा के लाते हैं। सो इट्स कैप्टन मार्वल, जो आपने ट्रेलर देखा होगा सब लोग ऐसे ऊपर देख रहे होते हैं, वो कैप्टन मार्वल उन्हें उड़ा के लाती है, बचाती है, विच इज़ ग्रेट। उसके बाद जब वो आता है तो ही इज़ प्रिटी वीक, पतला हो चुका है, इतने शायद उसने महीनों में कुछ भी खाया नहीं है, नियर टू द ब्रिंक ऑफ डेथ। अगर कैप्टन मार्वल नहीं होती तो वो वहीं पर गया था। इसके बाद वो लोग ट्राई करते हैं, बात करते हैं, बट आयरन मैन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से कि वो थैनोस को हरा नहीं पाया और उस पॉइंट पर उसके साथ कैप्टन अमेरिका कोई भी नहीं था। तो ऑल टुगेदर वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास अब शिप है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली स्पेसशिप थी, तो चलो हम जाके अभी उससे वो स्टोन्स छीनते हैं और हम जाके सबको स्नैप करके वापस लाएंगे। पर होता क्या है कि आयरन मैन कहता है कि भैया मुझे ये सब नहीं करना है, वो बैकआउट कर जाता है, वो वहाँ से हट लेता है। ये लोग जाके उस न्यू टाइटन प्लानट है जहाँ पे लास्ट स्नैप हुआ था, ये लोग वहाँ पे जाते हैं। अब जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस स्नैप में थैनोस भाई साहब ने सारे के सारे स्टोन्स को ख़त्म कर दिया है। वो डायलॉग भी मारता है कि मैं इनएविटेबल हूँ, यानी मुझे आप मुझसे बच नहीं सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए। थॉर इस बार फाइनली उसका सर काटता है और कहता है कि दिस टाइम आई एम फॉर द हेयर। सो वहाँ पे थैनोस की स्टोरी ख़त्म, ही इज़ किल्ड, कुछ नहीं हो सकता, कोई स्टोन्स नहीं है। एंड फिर उसके बाद सब वापस आ जाते हैं, ऑब्वियसली निराश हैं। 5 साल बाद आप देखते हो कि किसी तरह वर्ल्ड ट्राई कर रहा है कि स्पेन में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो कैप्टन अमेरिका यहाँ पे डायरेक्टर रूसो का कैमियो है, तो उनको दर्द हो रहा है, वो बात कर रहे हैं। सो एक तरह से जो सेशंस नहीं होते जिसमें एक दूसरे को बेटर फील कराते हो, वैसा वाला सेशंस कर रहा है। सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर चुके हैं, ब्लैक विडो सॉर्ट ऑफ जितने रिमेनिंग एवेंजर्स हैं उनकी मदद से देख रही है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे क्या होता है कि एक रैट, वो जो एंट मैन की वैन थी जिसके अंदर वो क्वांटम डिवाइस था, क्वांटम एक्सीलेटर, पार्टिकल एक्सीलेटर, जो भी आप बोलो, उस डिवाइस को ट्रिगर करता है और उससे एंट मैन निकलता है। एंट मैन निकलता तो 5 साल बाद निकला है, बट उसके लिए सिर्फ 5 दिन या 5 हफ्ते, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, सिर्फ बीते हैं। तो वो शॉक में होता है क्योंकि जब वो देखता है कि आधे ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, तो वो जाता है और कैप्टन अमेरिका इन लोगों को बोलता है कि भाई टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल क्योंकि मैंने किया है, तो इसलिए अब उन्हें आयरन मैन के पास जाना पड़ता है। आयरन मैन की खुद की बेटी हो चुकी है, आयरन मैन सेटल कर चुका है अपनी लाइफ में,
एंड आयरन मैन कहता है कि नहीं, आई डोंट बिलीव कि ये सब हो सकता है, मुझे नहीं करना है. मतलब बिलियंस में से एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप प्रॉपरली टाइम ट्रैवल कर पाओ, और वही शायद एंड मैन के साथ हुआ होगा. तो वहाँ पे वो लोग फिर हल्क के पास जाते हैं, ब्रूस बैनर. बट ब्रूस बैनर हल्क और ब्रूस बैनर हल्क एक्चुअली मिल चुके हैं. अगर आपको पता होगा तो एक कैरेक्टर होता है प्रोफेसर हल्क, जो कि हल्क की शेप है, हल्क की बॉडी है, बट माइंड बैनर का है. सो मतलब वो अपने अपने दिमाग की संतुलन को नहीं खोता है. सो वो लोग उसके पास जाते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं. तब तक आयरन मैन फिगर कर लेता है कि किस तरह वो ट्रैवल कर सकते हैं, और फाइनली आयरन मैन डिसाइड करता है पेपर पॉट से डिस्कस करने के बाद कि वो उनकी मदद करेगा. यहाँ पे आपने जो एक देखा होगा कि हाथ में पहनने वाला एक डिवाइस है, अगर आप फॉलो करते हो लीक्स और रूमर्स, तो आपने देखा होगा. तो वो डिवाइस एक जीपीएस डिवाइस है ट्रैवलिंग का, टाइम ट्रैवलिंग का, जिसको वो यूज़ करते हैं. और फिर वो लोग ऑर्केस्ट्रेट करते हैं कि हम लोग जाके टाइम के अलग अलग पार्ट से वो इन्फिनिटी स्टोन्स को लाएंगे, और हम अर्थ को बचाएंगे. तो फिर ये लोग टीम्स में डिवाइड होते हैं, फिर अलग अलग स्टोन्स की खोज में जाते हैं. उसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी अच्छी तरह से, अगर आपने पुरानी फिल्म देखी है तो आपकी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. बिकॉज आपने अगर बैक टू द फ्यूचर देखी हो तो काफ़ी सिमिलर सीन्स हैं. मतलब आपने वही सीन उस मूवी में देखा था, अब आप वही सीन किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा होता है. अब यहाँ पे बिल्कुल ही स्पॉइलर दे दूंगा तो यार मूवी मज़ा नहीं, ख़त्म हो जाएगा. बट इसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ होते हुए इन्हें स्टोन्स मिलते हैं, बट कुछ ऐसा भी होता है जिसके चलते जो 5 साल या 4 साल पहले का थैनोस था, वो इस फ्यूचर टाइम में आ जाता है, एंड वो लिटरली सबकी वाट लगा देता है. मतलब वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आता है, उसको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये भी पता है कि उसने क्या किया है फ्यूचर में, एंड ये ट्राई करता है कि किसी तरह से वो गॉन्टलेट वापस मिल जाए. और वो वापस से स्नैप करके इस बार आधा नहीं, इस बार सबको ख़त्म करके नई से सिविलाइजेशन बनाए, ताकि कोई उससे अवेंज करने को या बदला लेने को ना रहे. अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि ये लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को ऑलरेडी यूज़ करके स्नैप कर चुके हैं. तो हॉक आई को अपने घर से फ़ोन आता है, उसकी बीवी बच्चे सब स्नैप में उड़ चुके थे, तो वो वापस आ चुके. तो हमको पता चल गया कि हाँ, लोग वापस आ चुके हैं. लड़ाई शुरू होती है, काफ़ी अमेजिंग सीन्स हैं. सो अवेंजर में से आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर मिलके थैनोस से लड़ाई करते हैं, सामना करते हैं. फिर बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है. आपको याद होगा बहुत पहले थॉर ने कहा था मस्ती में कि मेरा हैमर और कोई नहीं उठा सकता, और कैप्टन अमेरिका से हल्का सा उठा था. इस बार एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका उसके हैमर को उठा के यूज़ कर पाता है, थॉर बहुत खुश होता है. तो अच्छी खासी लड़ाई होती है, बट थैनोस अकेले एकदम सबकी वाट लगा देता है. सब हार गए होते हैं ऑलमोस्ट, बट कैप्टन अमेरिका का जोश देखो कि वो लड़ता रहता है. आपने वो ट्रेलर में देखा होगा जिसमें अपनी शील्ड को काफ़ी स्ट्रांगली टाई कर रहा है, बेल्ट को बकल अप कर रहा है. तो जैसे ही वो ये करने वाला होता है और थैनोस सामने से अपनी पूरी आर्मी को लेकर उसी तरफ आ रहा होता है, अकेले एवेंजर की तरफ, तब उसके हेलमेट में आता है कि कैप्टन अमेरिका, कैन यू हियर अस, वी आर हियर, लुक टू योर लेफ्ट. तब जो सीन हुआ है अब भी गूज़बम्स आते हैं सोच के, बिकॉज आज तक के सारे एवेंजर्स, सारी कास्ट उस एक सीन में आती है. हर कोई रिवाइव हो चुका है, हर कोई बैटल फील्ड पर होता है, घमासान बैटल होती है, एंड देन एंड में मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, बिकॉज फिर आपका मूवी का भी मज़ा किरकिरा नहीं होना चाहिए, इनकेस आपने अभी भी नहीं देखी है. बट बहुत ही अच्छी एंडिंग दी है. ऑब्वियसली आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका की ये लास्ट मूवी है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. बट द क्लोजिंग वे, द वे दैट दे गो, जिस तरह से उनको अलविदा कहा गया है, इज़ रिस्पेक्टेबल. आपको अच्छा लगता है उनके लिए कि उन्होंने कुछ अच्छा किया, एंड उनके साथ हमारी रिस्पेक्ट और हमारा इमोशंस हमेशा के लिए बंधे रहेंगे. तो इस तरह वो एक ब्यूटीफुल वे में किसी तरह इस फेस को बहुत ही शानदार तरीके से क्लोज करते हैं. एंड देन ऑब्वियसली जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे पास स्पाइडरमैन की नेक्स्ट फार अवे फ्रॉम होम, फार फ्रॉम होम आएगी, जो कि अगले फेज को किक ऑफ करेगी, जिसमें कि स्पेकुलेशंस हैं कि एक्समैन, फैंटास्टिक फोर का आना हो सकता है. एक्समैन का तो बहुत ही प्रॉबेबल है, बिकॉज अगर आपको पता हो कि डिज्नी और फॉक्स की डील हो चुकी है, एंड अब जो भी कैरेक्टर्स फॉक्स यूज़ करता था वो डिज्नी यूज़ कर सकता है. तो इस तरह से हम बस ये इमेजिन कर सकते हैं, ये मतलब होप कर सकते हैं कि नेक्स्ट फेज़ बहुत ही शानदार हो, जैसे कि अभी ये वाला फेज था. एंड कुछ पॉइंट्स पे यार रोना सा आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स पे आपको वो गूज़बम्स वाली फीलिंग आएगी, जो एक बंदा जिसने आयरन मैन 1 से फॉलो किया हो पूरी
पूरी सीरीज को वो उसको फॉलो करता है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है। डू रिकमेंड कि अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।